एवरीवन, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ प्रिया और मैं अपने चैनल में शेयर करती हूँ ट्रैवलिंग वीडियोस, होम डेकोर आइडियाज़, गार्डनिंग। मोस्टली मैं DIY शेयर करती हूँ, बेसिकली वो सारी चीज़ें जिनको मैं अपने तरीके से प्रेजेंट करती हूँ और जिनको करने से मुझे खुशी मिलती है। मेरा चैनल किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पर नहीं है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दैट बेल आइकन, उससे मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली ये एक DIY है और इसको मैंने थोड़ा अपने तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कैनवास बोर्ड और मैं इसके ऊपर एक स्केच ड्रॉ करूँगी पेंसिल से और उसके बाद उसको कलर करूँगी। बिलोंग करती हूँ रंग कल्चर, रंग कम्युनिटी से। सो जो आपने अभी पेंटिंग देखी वो हमारा एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, ट्रेडिशनल ज्वेलरीज हैं जिनको कि हम अपने फेस्टिवल्स में और ओकेजनली पहनते हैं। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट एंड थोड़ा सा 3D लुक देने की कोशिश की है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लिप में आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर फेविक्रिल का क्ले ले रही हूँ, फेविक्रिल के एक्रोलिक कलर्स ले रही हूँ, पाउडर, टूल्स एंड रोलर। आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये जो पेंटिंग है ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ 90% बनी, क्योंकि मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है, उतनी फिनिशिंग नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैंने सोचा था कि मैं उस ज्वेलरी, बेसिकली उस ज्वेलरी को बीरा बोलते हैं, तो जो मैंने सोचा था बिल्कुल वो वैसा ही बना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी शेयर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।